नमस्ते, मेरे YouTube चैनल हारमोनियम प्रफुल्ल पर आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में बेसिक सात स्वरालंकार सीखेंगे। काली एक इस स्वर में इस अलंकार का अभ्यास करेंगे। पहला अलंकार मैं एक उंगली से बजाकर दिखाऊंगा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये की सारे गम पधनिसा ध्यान में रखते हुए इनको निर्धारित उंगलियों से बजाना बहुत जरूरी है। तो सा के लिए फर्स्ट, रे के लिए सेकंड, ग के लिए थंब, इसको शॉर्टकट में टी बोलेंगे। वन टू टी, वन टू थ्री टी वन। फिर से बताऊंगा, वन टू टी, वन टू थ्री टी वन। इस निर्धारित उंगलियों से बजाने से सारेगम पधनिसा बजाते वक्त उंगलियां बीच में नहीं आती, बहुत आसान तरीके से ये बज सकता है। जिन उंगलियों का प्रयोग आरोह में करते हैं उन्हीं को अवरोह में यूज करना चाहिए। जैसे कि सारे गामा पधनी सा सानी धा पामा गरे सा। अब इसके बाद दूसरा स्वरालंकार, हर एक सुर को दो दो बार बजाने का। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ये बहुत दूसरा अलंकार बहुत आसान है। पहला अलंकार सीखने के बाद दूसरा अलंकार सहजतापूर्वक बजाने को आ सकता है। उसके बाद तीसरा अलंकार तीन तीन स्वरों का समूह है। जैसे कि सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा। इस तीसरे अलंकार को मैं संख्या में समझाने का प्रयास करूंगा। एक दो तीन, 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 तीन दो एक, 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 तीन दो एक। हारमोनियम सीखने के लिए ये बेसिक अलंकार बहुत जरूरी है, जिनकी वजह से आगे चलकर आपको जो भी संगीत बजाने का है उसके लिए ये बहुत उपयुक्त है। इस बेसिक अलंकार को कंटिन्यू बजाकर हाथ को बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। जैसे कि यह अलंकार स्पीड में आना चाहिए। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। इसके बाद चौथा अलंकार जो चार सुरों का है। अब चौथा अलंकार में चार सुर, पांचवें अलंकार में पांच सुर, एक एक सुर बढ़ते जाता है। इसका आइडिया समझ में आ गया तो ऐसे अलंकार खुद भी अलग अलग तरह के से बनाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारा उपयोग गाने बजाने के लिए या
और कुछ बजाने के लिए हो सकता है। चौथा अलंकार सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा नी पधा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मग रे मग रे सा। ये भी अलंकार संख्या में समझने के लिए बहुत आसान है। एक दो तीन चार 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 चार तीन दो एक चार तीन दो एक चार तीन दो एक चार तीन दो एक चार तीन दो एक। अब इस चौथे अलंकार को मैं एक बार स्पीड में बजा कर दिखाऊंगा। सारे गामा रे गामा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा मा धा पा मग रे सा। उसके बाद पांचवा अलंकार पांच सुरों का सारे गामा पा एक दो तीन चार पांच। एक छोड़ दो, रे से गिनती शुरू करो एक दो तीन चार पांच। अब रे को छोड़ दो, ग से गिनती शुरू करो एक दो तीन चार पांच। वैसे ही म से एक दो तीन चार पांच। तो ये पांचवा अलंकार तैयार होता है। फिर से समझाता हूं। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। समझ में आने के लिए यह वीडियो बार बार देखकर आप पांचवा अलंकार या आगे के जो भी अलंकार सीख सकते हैं। छठा अलंकार सारे गामा पाधा रे गामा पाधा नी गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। जैसे कि एक दो तीन चार पांच छः एक दो तीन चार पांच छः एक दो तीन चार पांच छः छः पांच चार तीन दो एक छः पांच चार तीन दो एक छः पांच चार तीन दो एक। सारे गामा पाधा रे गामा पाधा नी गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। अब इसके बाद बेसिक अलंकारों में लास्ट में आता है सारे गामा पाधा नी रे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा। एक दो तीन चार पांच छः सात एक दो तीन चार पांच छः सात सात छः पांच चार तीन दो एक सात छः पांच चार तीन दो एक। सारे गामा पाधा नी रे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा। जो लोग यह वीडियो देखकर ये सीख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पहला अलंकार हाथ में बिठाओ, खुद ब खुद दूसरा अलंकार बहुत आसान जाएगा। पहला दूसरा बजाने के बाद तीसरा अलंकार सीखने में बहुत आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप चौथा पांचवा छठा सातवा ये सात अलंकार हर रोज अभ्यास करने से हारमोनियम पर हाथ सहजतापूर्वक घूम सकता है। और उसके बाद मैं जो गाने बताऊंगा पॉपुलर सॉन्ग में आपको सिखाऊंगा, तो वो सीखने के लिए यह बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। इसका अभ्यास करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। और यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको और आपके दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। YouTube चैनल हारमोनियम प्रफुल्ल, धन्यवाद।